उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत आए 5 बांग्लादेशी समेत एक को गिरफ्तार किया गया है। मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र से है, जहां चंदौली जनपद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मुगलसराय के दुल्हीपुर में अवैध रूप से कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने त्वरित छापेमारी करते हुए एक घर में दबिश दिया। छापेमारी के दौरान मौके से 5 बांग्लादेशी समेत एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों की मुलाकात एक आलम नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिसने खुद को कलकत्ता का निवासी बताता है। उसी के द्वारा हम लोगों को अधिक मजदूरी का लालच देकर लाया गया है। यहाँ हम बॉर्डर नाव के द्वारा पार कर भारत आए हैं और लगभग 15 दिनों से मौजूद हैं।